हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। डाकरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। दरभंगा में इससे सस्ता कहीं नहीं, टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट की फुल रेंज, ऑथराइज्ड डीलर कजारिया हिंदवेयर, बाथ एंड किचन फिटिंग्स, मकान बनाने का सारा सामान, एमएन होम सॉल्यूशन, एकमी घाट, लहरिया सराय। अग्रवाल मेंस टच, अ कंप्लीट मेंस वियर एंड वेडिंग स्टोर, हसनचक पेट्रोल पंप के बगल में, लाल बाग दरभंगा, दिवाली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, बाकरगंज जामा मस्जिद के सामने, लहरिया सराय, एक ही छत के नीचे कपड़े एवं रेडीमेड के सभी ब्रांड उपलब्ध। पिछले 12 वर्षों का है हमारा विश्वसनीय शानदार रिकॉर्ड, हज और उमरा करिए हमारे साथ, नफीसा हज एंड उमरा ट्रेवल्स, बाजार समिति के सामने, शिवधारा दरभंगा, अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। डॉक्टर और इंजीनियर फैकल्टी टीम के साथ करें तैयारी नीट, जी और बोर्ड की, जो पिछले 3 साल से दे रहा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट, एडमिशन ओपन, ग्रे मैटर, खानका चौक, दरभंगा। समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप में बड़ी डकैती, 1 करोड़ से अधिक के गहने लेकर भागे बदमाश। इस वक्त की यह बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, यह बड़ी खबर, जहां एक ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। घटना हीरा ज्वेलर्स की बताई जा रही है। यहां 1 करोड़ से ज्यादा की बड़ी डकैती दिन दहाड़े हुई है। समस्तीपुर के मोहनपुर रोड नक्कू स्थान स्थित हीरा ज्वेलर्स में यह घटना घटी है। लूट की इस बड़ी घटना से व्यवसायियों में एक बार फिर दहशत का माहौल है। जो जानकारी मिली है न्यूज टुडे को, उसके अनुसार 10 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी पहुंचे और 1 करोड़ के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। समस्तीपुर में बेलगाम अपराधियों के सामने पुलिस बिल्कुल बेबस और लाचार बनी हुई है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड स्थित नक्कू स्थान के हीरा ज्वेलर्स से दिन दहाड़े भीषण डाका की घटना को अंजाम देकर अपराधी आराम से निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की ज्वेलरी बोरी में भरकर ले भागे डकैत। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 की संख्या में अपराधी दुकान में घुसे, जिसमें एक महिला डकैत के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। दुकान के गेट पर पहले वह महिला डकैत ही आई और आभूषण देखने की बात कहकर अंदर घुसी। उसके साथ ही बाकी अपराधी भी घुस गए और अंदर दुकानदार, उनके स्टाफ और मौजूद ग्राहकों को गन पॉइंट पर लेकर लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर कई लोगों को बेरहमी से मारपीट कर भी जख्मी कर दिया। आराम से अपराधी पूरे दुकान का सभी आभूषण और कैश बोरे में भरकर भाग निकले। दुकान में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को तोड़कर डीवीआर भी लेते चले गए अपराधी। दुकानदार और स्टाफ के सभी मोबाइल भी अपराधियों ने छीन लिए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। लड़की को चार के साथ में एक बार आया, बोला मेरे को अंगूठी लेना, सब यहाँ ऐसे बैठा, उधर कस्टम फिर लाइन में बैठा है, और जब देखे कि उधर सबको धकला ना, तो हम गेट के बाहर भागने की कोशिश, तो मेरे को पिस्टन से बहुत मार मारा सर। 4-7-8 के संख्या में थे लड़की, तो उधर उन लोगों को समेटा और बोल रहा था कैश कहाँ है, मोबाइल तोबाइल पहले निकाल लिया, बोलता है फोन कर रहा था, भागने की कोशिश करता, उसके बाद हमको बांध दिया। बाइक से थे, झोला बोला में कस के लेके गए जी, लड़की साथ में है। 10 की संख्या में डकैत लोग आए थे और सारा मतलब माल लूट करके ले गए। लगभग कितने के माल होंगे? लगभग 1 करोड़ रुपए के लगभग माल होंगे। अच्छा, कैसे घुसे थे, क्या कुछ क्या? वो महिला भी साथ में थी, सामान लेने के लिए, देखना है देखना, ऐसे करके लोग घुसते चले गए थे। सभी क्या थे, पिस्तौल सब छुपाए हुए थे, लेकिन जैसे वो हरकत में आया, सब ने अपना पिस्तौल निकाल लिया। नहीं, वो एक बोरा में भर के ले गए। वो सब मोटरसाइकिल से आए थे, अपाची मोटरसाइकिल था, एक स्प्लेंडर था,